भाई हमारे पास भी कुछ आदमियों ने आके कहा कि आप कुछ पैसे दे दो, लेकिन हमने जवाब दे दिया ईमानदारी से कार्य किया है और ईमानदारी से चलेंगे। तो हमें विश्वास था, जनमत हमारे साथ था, लोग जो जनता है वो इतनी मेरे साथ थी कि आप देख सकते हो बाहर कितने लोग हैं। लेकिन ये काम कैसा हुआ ये आपने देख ही लिया, पता ही आपको, क्योंकि जिस आदमी को टिकट दिया उसके साथ 10 आदमी नहीं है। मैं कहता हूं भी उनकी जमानत जब्त होगी और मैं 30,000 वोटों से सीट निकाल के देता। क्या बात, हमें क्या ऐसा ले लिया, हमने विकास तो कराया लोगों के लिए। मैं एक बात कहता हूं, मैंने अपना पर्सनल काम अब तक एक भी कोई लिया हो, मैंने कोई अपना बच्चा नौकरी लगवाया या मैंने कोई फैक्ट्रियां लगा ली या मैंने कोई एजेंसियां ले ली, मैंने क्या ले लिया? जनता की सेवा तो कर रहा था, लेकिन ऐसी बातों को देख के बड़ा मन में ठेस पहुंचती है कि ईमानदार सरकार हम समझ रहे थे, लेकिन इसके अंदर नेता ईमानदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार है, अमित शाह भी ईमानदार है, लेकिन ये अपना मनोहर लाल जी भी ईमानदार है, लेकिन जो आदमी बीच में सेटिंग कर रहे हैं वो सेटिंग करके जो सरेआम हुआ मेरे को 26-27 तारीख को बता दिया गया, ये कह दिया गया, कहने लगा आप अगर सेटिंग करते हो पैसे देते हो तो आपकी आपकी टिकट हो जाएगी, नहीं तो आपका नंबर सर्वे में ये बताया गया 67% आपके नंबर थे, जिसको नीचे कर दिया गया है और नीचे वाले को 67 नंबर पे भेज दिया गया, ये कर दिया गया। मैंने कई सवाल जवाब किए लेकिन उन्होंने ये बताया कि गुजरात की टिकटों की लिस्ट भी दे देंगे कि 10 तारीख को गुजरात से दिल्ली एयरपोर्ट से गुजरात बंदे गए वहां पैसे देके आए और 11 तारीख को वापस आए, ये बातें कही गई। तो इसीलिए अब मैं क्या कहूं बताओ, इसमें मैं कैसे कहूं भी मेरी टिकट ईमानदारी से बटी है। सर किस अब थे कुछ लोग, कोई बात नहीं, वो सामने आ जाएंगे बताएंगे जब कोई पूछेगा, जब कोई पार्टी वाला पूछेगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए गया था, मुख्यमंत्री जी इतने बिजी थे उन टाइम टिकटों की बातें चल रही, मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया। मैं 2 बार मुख्यमंत्री जी को मिला, मुख्यमंत्री जी इतने में बात बाद में करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने खुश रहो इतनी बात कह के बस आगे मुख्यमंत्री चलते बने, तब मैं अपनी बात नहीं रख पाया। फिर एक दिन गया, मैंने कम से कम 2-2.5 घंटे वहां हरियाणा भवन में मैंने वेट की, लेकिन उस वक्त भी समय नहीं मिला। मुख्यमंत्री ईमानदार हैं इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये बात दावे से कहता हूं, लेकिन ये काम नीचे नीचे बहुत गलत हो रहा है, जो हमारे साथ बीती है वो हमारा दिल ही जानता है। चलो वो लोग जो मर्जी लगाए मेरे साथ, मैं तो प्रूफ के साथ बात कह रहा हूं, मैं वैसे तो ना आज तक मैंने बात कही, हमने तो ईमानदारी से काम कराया। मैं एक चैलेंज करता हूं, मैंने 5 साल हो गए विधायक बने हुए, मेरे खिलाफ एक कांग्रेस या लोक दल का एक प्रदर्शन दिखा दो कोई, जो विपक्ष भी नहीं निभा पाए यहां, क्योंकि मैंने लोगों की जनता की सेवा की है। मैं रात के 11-11 बजे तक मैंने मेहनत की है।